कसेंगे यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है पीला, तो आप ये देख सकते हैं मैंने इस वायर को जो बचता है वो आटो है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ डिटेल से बताता हूँ आटो की, कि आपको आटो में वायरिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है। अब इसमें यदि अगर आटो चार्ज नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आज आपको मैं ऑटो और स्टार्टर के वायरिंग के साथ साथ वोल्ट एम्पियर और ग्रिप को भी फिट करना बताऊंगा कि आप इसे कैसे फिट कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि इसे कैसे फिट किया जाए, सवाल ये है कि इसे कितनी सरलता से और कितने सही तरीके से फिट किया जाए। मैं सोनू साहू आपका साहू इलेक्ट्रॉनिक सीजी चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आप इसे बारीकी से सीखना चाहते हैं, बारीकी से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में अंत तक बने रहें कि इसे कैसे फिट किया जाए, किस तरह से फिट किया। तो आप देख सकते हैं ये स्टार्टर हैं और ये ऑटो हैं और ये वोल्ट हैं और ये एम्पियर और ये तीन ठो ग्रिप लगा हुआ है। हम इसकी संपूर्ण वायरिंग करेंगे, पूरा वायरिंग करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको इसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो हम सबसे पहले ग्रिप में वायर लगाएंगे। यहाँ पे हम वायर लगाएंगे सबसे पहले, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रिप में वायर लगा लेते हैं। और ये मैंने ग्रिप में वायर लगा लिया। अब इसके बाद हम जो ये वायर है इसको हम स्टार्टर के इस वाले हिस्से में लगाएंगे। यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है रिले का, उसमें हम लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये वायर लगा लिया है। अब इस वायर को हम स्टार्टर के इस वाले तार में कसेंगे। यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है पीला कलर का, उसी में हम इसे कसेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा वायर हमारा लग गया है। अब हम इसे जो इस वायर को जो बीच में लगा हुआ है, जो बीच वाली ग्रिप में लगा हुआ है, हम उसी तरह स्टार्टर के भी इस बीच वाले हिस्से में हम लगा देंगे। ये जो हमारा वायर लगा हुआ है इसे हम स्टार्टर के जो ये हिस्सा है इसमें हम इसे टाइट कर देंगे। और ये हमारा दूसरा वायर भी इसमें लगकर रेडी हो चुका है। ये यहाँ पे बीच में लगा हुआ है ये दूसरा वायर। अब हमारा जो तीसरा वायर है वो हम लगाते हैं। ये हमारा तीसरा वायर है, हम इसे यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। और इसे ये हमारा तीसरा वायर भी टाइट हो गया है। अब इस वायर को हम लगाएंगे इस एम्पियर वा के जो पिछले तरफ दो जगह दिए हुए हैं नट लगाने के लिए, वहाँ पे हम इसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं एम्पियर हैं ये, और इस एम्पियर के ये जो पीछे तरफ दो नट दिए हुए हैं इसी में हमें इस एक वायर को हमें इसमें टाइट करना है। जो ग्रिप से आया हुआ है उस वायर को हम इसमें टाइट कर लेते हैं। ये मैंने इसमें टाइट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें टाइट कर लिया है, ये टाइट हो गया है। अब इसके जो एक पार बचा हुआ है इसमें भी हम वायर लगा लेते हैं। तो मैंने ये दूसरा तरफ भी इसका वायर लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे टाइट कर देते हैं यहाँ पे स्क्रू पे। इसको मैं अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। ये मैंने इसे टाइट कर दिया है।
अब इसके जो एक वायर निकला है इसमें से, एक जो ग्रिप से लगा हुआ है वो इसमें गया है, और इसमें से जो एक वायर निकला है उसको हम ये तीसरे वाले हिस्से में लगाएंगे स्टार्टर के, जो एक पॉइंट बचा हुआ है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ पे आया हुआ है एम्पियर से स्टार्टर में, ये हमारा वायर ग्रिप का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम वोल्ट मीटर का वायर लगाते हैं। वोल्ट मीटर से हम यहाँ से एक एक वायर निकाल कर इसमें लगाएंगे, एक एक बार इसमें हम लगाएंगे, इसमें से निकाल कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर है और यहाँ पे दो नट दिए हुए हैं, इसी में हमें दो वायर को टाइट करना है। तो चलिए मैं इसमें वायर को टाइट कर लेता हूँ। ये मैंने इन दोनों में वायर टाइट कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पे कस देते हैं जहाँ पे ये था स्क्रू लगाकर, इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं इसको भी। ये जो हमारा ओल्ट है, ओल्ट मीटर है, इसे हमने टाइट कर लिए हैं। अब इनमें से जो दो वायर निकला हुआ है इसको हम ग्रिप में लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसका जो एक वायर है इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ग्रिप में। ये मैंने यहाँ पे इसको टाइट कर दिया। ये जो वायर है वोल्ट मीटर का, ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पे ग्रिप में इसको टाइट कर दिया है। और ये एक वायर और बचा हुआ है इसको भी हमें यहाँ पे ग्रिप में लगाना है, जो अगले वाला ग्रिप है बीच वाला उसमें लगाना है। मैंने इसको भी यहाँ पे लगा दिया है और इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे दो वायर निकले हुए हैं उनमें से जो एक वायर है, जो वोल्ट मीटर का एक वायर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, और इसका जो एक वायर और है वो यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि अलग अलग में लगा हुआ है। और जो हमारा एम्पियर है जो यहाँ से ग्रिप से वायर निकल कर यहाँ पे आया है और यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला वायर यहाँ से लेकर यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो कंप्लीट है ये तो हो गया, अब हमारा जो बचता है वो ऑटो है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ डिटेल से बताता हूँ ऑटो की, कि आपको ऑटो में वायरिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है। ये हमारा ऑटो है और इस ऑटो में आपको क्या ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है R1, R2, R3 और यहाँ पे दिया हुआ है N, V और S1 और S2। तो इन्हीं को आपको याद रखना है, इन्हीं के माध्यम से जो हमारा ऑटो है वो पूरा वायरिंग होगा। इस ऑटो में सबसे पहले वायर हम R1 में लगाएंगे, पहले नंबर पे हम वायर लगाएंगे। तो मैंने इसमें पहले नंबर पे वायर लगा लिए हैं। अब इस वायर को हम जो है इस पहले वाले हिस्से में लगाएंगे, जो यहाँ पे हम ग्रिप का वायर लगाए हैं वहीं पे हम इस ऑटो के वायर को भी लगाएंगे। ये जो ऑटो का पहला वायर है इसे हम यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये मैंने जो ऑटो का पहला वायर है उसको यहाँ पे लगाया हुआ है। अब हम जो है जो ऑटो के R2 में वायर कसेंगे, ये वायर हम ऑटो के R2 में लगाएंगे। ये ऑटो के मैंने R2 में वायर लगा लिए हैं। अब इस वायर को हम ये जो बीच वाला हिस्सा है ना यहाँ पे हम लगाएंगे, जो यहाँ पे स्टार्टर के बीच रिले वाले हिस्से में हम इस ऑटो के वायर को लगाएंगे। ये मैंने इस बीच वाले हिस्से में लगा लिए हैं, जो रिले के हिस्से हैं उसमें मैंने ऑटो के जो वायर हैं उसको लगा लिए हैं यहाँ पे। अब हम तीसरे को लगाएंगे R3 को। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने R3 में लगाया है इस वायर को हम जो रिले के इस लास्ट वाले हिस्से में लगाएंगे, जहाँ पे ऑटो का वायर नहीं लगा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे लास्ट वाले हिस्से में लगा दिए हैं जहाँ पे ऑटो का वायर
नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे लगाया हुआ है मैं, जो तीसरे नंबर का R3 तार है उसको मैंने यहाँ पे लास्ट में लगाया है, और जो पहले नंबर का R1 है उसको मैंने यहाँ पे लगाया है, और R2 है उसको यहाँ बीच पे, और जो R3 है उसको यहाँ लास्ट में लगाया है। अब जो हम लगाने वाले हैं वो N नंबर पे हैं। यहाँ से हम N नंबर पे पहले वायर लगाएंगे, उसके बाद जो स्टार्टर के ये वाला हिस्सा है जो क्वाइल से अटैच सीधा रिले में यहाँ पे गया हुआ है, इस कट तार को हमें निकालना है, इस तार को हम निकाल देते हैं। ये मैंने इसको निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने ये वायर है वो N वाले में लगा लिए हैं। अब इस N वाले को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जो हमने कट तार निकाला है क्वाइल का इस पार वाला का, इसमें मैं इसको लगाऊंगा। तो इस वायर को मैं इसमें से उठा लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे यहाँ पे इसे टाइट कर देता हूँ। ये मैंने इसको टाइट कर दिया है, ये यहाँ पे लग गया है। अब इसके बाद जो हमारा बचता है वो बचता है वी नंबर के जो वायर हैं उसको हम उसमें वायर लगा लेते हैं। वी नंबर पे मैंने वी नंबर पे भी वायर लगा लिया है। अब इस वायर को हम जो ये कट वाला वायर बचा हुआ है ना, ये ऊपर का हिस्सा इसे हम निकाल देते हैं, इस कट वायर को पूरा निकाल देते हैं जो क्वाइल में लगा हुआ है, इसको मैंने ये निकाल दिया है। और उसके बाद जो ये वी नंबर का वायर है उसको हम उसमें लगाएंगे, जिस वायर में जहाँ से हमने इसको निकाला है ऊपर वाले हिस्से से रिले से, उसमें हम इसे लगाएंगे। ये मैंने इसमें इसे टाइट कर लिया है। अब ये जो है हमारा दो वायर ही बचा है, S1 और S2, तो मैं उन दोनों में भी वायर लगा लेता हूँ। ये मैंने अब S1 में वायर लगा लिए हैं, और इस S1 के वायर को हम लगाएंगे यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस पर हम लगाएंगे यहाँ पे जो पीला कलर का वायर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक वायर लगा हुआ है इसमें हम लगाएंगे इस पर इसको, जो ये S1 वायर है उसको। तो मैं इसे कहाँ से, यहाँ नीचे से इसको इस नीचे वाले हिस्से से इसको उठाकर, इस वायर को मैं यहाँ से ये मैंने इसको टाइट कर लिए हैं। अब जो लास्ट में बचा है वो S2, उसे हम यहाँ पे लगाएंगे, ये जो नीला वो कलर का वायर दिख रहा है यहाँ पे हम S2 को लगाएंगे। ये मैंने S2 में वायर लगा लिए हैं। अब S2 के वायर को हम इस नीला कलर वायर में लगाएंगे, तो उसके लिए मैं इसे यहाँ से नीचे से बुलका लेता हूँ, और इसको यहाँ पे बुलकाने के बाद हम इस कलर में लगाएंगे यहाँ पे। ये मैंने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया है। अब जो हमारा ऑटो की वायरिंग है वो पूरा फुल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें यदि अगर ऑटो चार्ज नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे जो S1 है और S2 इसको आपस में चेंज कर देना है। मैं आपको एक बार और फिर से रिटर्न बता देता हूँ कि कैसे आपको ऑटो की वायरिंग फिट करना है। यहाँ पे जो S वायर है, जो R1 है, यहाँ पे जो R1 लगा हुआ है इसको हमने यहाँ पे लगाया है, जो यहाँ रिले के पहले साइड पे पीले कलर का जो वायर लगा हुआ है ये यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ पे है R2, R2 को हमने बीच पे लगाया है, उसके बाद R3 है उसको यहाँ पे लास्ट में लगाया है, उसके बाद जो N नंबर का वायर है इसको हमने यहाँ पे लगाया है, और N नंबर के बाद V नंबर का जो वायर है यहाँ पे, इस V नंबर के वायर को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, और V नंबर के बाद जो S1 नंबर का वायर है उसको मैंने यहाँ पे लगाया है, और जो S2 है उसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी वायरिंग की डिटेल समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, या फिर मिस्टेक लग रहा होगा, या आपको इसमें कुछ और डिटेल जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं।